बढ़ेड़ी राजपूतांज में इलेक्ट्रिक स्कूटी शोरूम का उद्घाटन करने पहुंचे पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद और नवनिर्वाचित रुड़की ब्लॉक प्रमुख लुप्ता राव ने शोरूम का फीता काटकर उद्घाटन किया। इस मौके पर स्वामी यतीश्वरानंद ने राव काले खां परिवार को भी पंचायत चुनाव में ब्लॉक प्रमुख की कुर्सी पर विराजमान होने पर बधाई दी। जैसे जैसे पेट्रोल डीजल में दामों में वृद्धि हो रही है, वैसे वैसे ही मार्केट में इलेक्ट्रिक वाहनों का तेजी से ही प्रचलन सामने आ रहा है। इसी कड़ी में बढ़ेड़ी राजपूतान गांव में इलेक्ट्रिक स्कूटी का एक शोरूम खोला गया, जिसका उद्घाटन पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद महाराज और नवनिर्वाचित रुड़की ब्लॉक प्रमुख लुबना रावत ने फीता काटकर किया। स्वामी यतीश्वरानंद ने कहा कि आज हाईटेक युग में आधुनिक चीजों का बेहद चलन हो रहा है, समय के साथ साथ समाज भी आधुनिक चीजों के साथ आगे बढ़ता है। बढ़ेड़ी राजपूतान में भाई राव कालेखिया जी ने और उनके परिवार के लोगों ने आज एक स्कूटर का शोरूम यहाँ खोला है। उस अवसर पर मैं यहाँ पर आया हूँ। मैं भाई कालेखिया जी को और हमारे जो नव नियुक्त प्रमुख निर्वाचित हुई हैं उनका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और इस शोरूम खोलने की उनको बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। इलेक्ट्रिक स्कूटी है, प्राइवेट को कितना फायदा होने वाला है इससे, जैसे लोग खरीदेंगे तो? निश्चित रूप से जिस प्रकार से आज डीजल तेल इसकी कभी कभी कमी भी महसूस होती है और उसके रेट दाम भी बढ़ रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय मार्केट के अनुसार, मुझे पूरा विश्वास है कि आज आने वाले समय में लोग इस वाहन का उपयोग करेंगे और इसका भरपूर फायदा उठाएंगे। मुझे जो भारतीय जनता पार्टी ने सम्मान दिया है और मैं पहले तो स्वामी जी की शुक्रगुजार हूँ, उसके बाद मेरे बड़े पापा राव काले खां, उसके बाद मेरे पापा हाजीराव इनाम खां, उन सबका मैं धन्यवाद देती हूँ और मैं कोशिश करूँगी। पहली बार मैं प्रमुख बनी हूँ रुड़की की और सबसे कम उम्र की, मैं कोशिश करूँगी जितना मुझसे हो सकेगा ईमानदारी से काम करूँगी। जहाँ भी मुश्किल आएगी मैं अपने बड़ों से सलाह करूँगी और मैं कोशिश करूँगी। मैं युवा हूँ और पढ़ी लिखी नहीं।